हरे कृष्णा, सात्विक रसोई में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ रचना पकाई और आज हम बनाने जा रहे हैं बटरस्कॉच केक। बटरस्कॉच केक के लिए ये हमने स्पॉन्ज लिया है, हमने पहले से बना के रखा है। आप भी ऐसे कर सकते हो या मार्केट से तैयार मिलता है वो भी ला सकते हो। तो इसे काट लेते हैं। केक को तीन हिस्से में काटना है। अभी इसको साइड पे रख लेते हैं। ये हमारा व्हिप क्रीम है, इसे हम व्हिप कर लेते हैं। ये बटर स्कॉच केक है तो हम थोड़ा येलो फूड कलर मिक्स करेंगे। ये हमारा क्रीम व्हिप होके रेडी है। आइए अभी आगे क्या करना है देखते हैं। ये हमारे पास कैरेमल सॉस है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है या आप घर पे भी बना सकते हो। इसके लिए आपको फ्रेश क्रीम, शक्कर और बटर तीनों को मिक्स करके उबाल लेना है। ये बटर स्कॉच है, ये भी मार्केट में मिल जाता है और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये बटरस्कॉच एसेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पानी के अंदर बटरस्कॉच का एसेंस डाल लेते हैं। इसको मिला लेते हैं। अभी ये स्पॉन्ज पे पानी डालेंगे जिससे हमारा स्पॉन्ज का टेस्ट भी बटरस्कॉच का आएगा। क्रीम लगा लेते हैं। अब ये बटरस्कॉच डाल लेते हैं। ये डालने से थोड़ा क्रंची टेस्ट आता है। अभी कैरेमल सॉस डालते हैं। दूसरा लेयर रख लेते हैं। अभी इसको पानी डाल देते हैं।
अभी लास्ट वाला। इसके ऊपर एकदम थोड़ा ही पानी डालना है। ये पानी डालने से केक एकदम सॉफ्ट भी होता है और टेस्ट भी आता है स्पॉन्ज में। और पानी ज़्यादा भी डालना नहीं है क्योंकि ज़्यादा स्पॉन्ज हो जाएगा तो लिक्विड ही हो जाएगा। अब ये हमारा केक रेडी है, अब इसे क्रीम से कवर कर लेते हैं। अब ये हमारा केक क्रीम से पूरा कवर है। आइए अभी डेकोरेट कर लेते हैं। ये कैरेमल सॉस है। ये क्रीम है, इसके हम रोजीज बना लेते हैं। इसके लीव्स बना लेते हैं, ग्रीन कलर का क्रीम है। नीचे भी बॉर्डर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा केक बनके रेडी है। आइए अभी तुलसी का पत्ता लगा के भोग लगा लेते हैं। आप देख सकते हो बटरस्कॉच केक बनाना कितना सिंपल था। तो आज ये आप अपने घर पर बनाइए और घर वालों को खिलाइए। और केक के लिए मैं आज आपको एक बढ़िया सी टिप देती हूँ। आप जब भी केक बनाते हो तो स्पॉन्ज पहले से बना के रखो, 4 या 5 घंटे पहले, तो केक ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो खाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ देखते रहे सात्विक रसोई, क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हरे कृष्णा। बटरस्कॉच केक बनाने के लिए हमें चाहिए स्पॉन्ज केक 1 किलो, व्हिपिंग क्रीम 3 कप, बटरस्कॉच एसेंस 1/4 छोटा चम्मच, पानी 1/2 कप, पिसा हुआ बटरस्कॉच 1 कप, कैरेमल सॉस 1/2 कप, हरा फूड कलर मिलाया हुआ व्हिप्ड क्रीम और येलो फूड कलर 1 पिंच। बटरस्कॉच केक बनाने के लिए स्पॉन्ज केक को 3 हिस्सों में काट ले, फिर व्हिपिंग क्रीम में येलो फूड कलर डाले और अच्छे से फेंट ले। फिर पानी में बटरस्कॉच एसेंस मिलाएं। उस पानी को केक के पहले लेयर पर लगाएं। उसके ऊपर क्रीम, पिसा हुआ बटरस्कॉच और कैरेमल सॉस डालें। इसी तरह दूसरे लेयर को भी तैयार कर लें। अंत में ऊपर का हिस्सा रखें और केक को क्रीम से ढक दे। डेकोरेशन के लिए कैरेमल सॉस, व्हिपिंग क्रीम, पिसा हुआ बटरस्कॉच और स्प्रिंकलर्स का प्रयोग करें। हमारा बटरस्कॉच केक तैयार है।